वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बिहारी थाली। बिहारी थाली में हम बनाएंगे आलू गोभी मटर की सूखी भुजिया बनाएंगे और इसके साथ ही हम बनाएंगे दाल चावल। तो फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं बिहारी स्टाइल में आलू भुजिया दाल चावल। और खाइएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस सिंपल और सादा खाने में कितना ही टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके लिए ले लिए है एक प्याज ले लिया है, चार आलू ले लिया है, थोड़ी सी फूलगोभी और थोड़े से मटर ले लिए है और थोड़ा सा मैंने ले लिया है खड़ी लाल मिर्ची। और इसके बाद मैं लूंगी तो एक चम्मच जीरा और एक चुटकी मैं ले लूंगी हींग। और मसाले में बिल्कुल सिंपल से हैं फ्रेंड्स। इसके अंदर मैं जो बनाने जा रही हूँ, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बिहारी स्टाइल में भुंजिया, आलू गोभी और बटर की भुंजिया बनाएंगे और इसके साथ ही बनाएंगे दाल और चावल। तो फ्रेंड, बिहारी स्टाइल में ये खाना बहुत ही बढ़िया लगता है। तो फ्रेंड्स, आप एक बार मेरे स्टाइल में बनाकर ज़रूर देखना, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ले लिए हैं तीन बड़े बड़े आलू लिए थे, जिसको मैंने इस तरह से महीन महीन काट लिए थे। और मैंने करीबन एक पाव गोभी का फूल था, उसको भी मैंने बारीक बारीक काटा है। और थोड़े से मैंने मटर डाल दिए हैं और एक बड़ा प्याज ले लिया है, उसको मैंने काट लिया है लंबा लंबा। और ये है मेरी दो खड़ी लाल मिर्ची और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी एक चम्मच जीरा। और मसालों में फ्रेंड्स, मैं डालूंगी लाल मिर्च, ये थोड़ा सा है गरम मसाला, और ये नमक और ये है हल्दी। तो फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं बिहारी स्टाइल में थाली। तो थाली में होगा आलू गोभी मटर की भुजिया और उसके साथ ही होगी दाल और चावल। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने पहले से कढ़ाई में तेल गरम कर दिया था, तो तेल गरम होने के साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दी है खड़ी लाल मिर्ची और साथ ही में मैं थोड़ी सी हींग डालूंगी। हींग डालने से इसके अंदर बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है फ्रेंड्स। तो हींग को डालना शुरू करते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स, इतनी सी मैंने हींग डाल दिया है। हींग डालने से इसके अंदर फ्लेवर बहुत, तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आलू भी डाल दिया है, गोभी भी डाल दिया, प्याज भी डाल दिया और सारे मैं मटर भी डाल देती हूँ इसके अंदर ही। तो फ्रेंड्स इसको मैं, तो फ्रेंड्स ये है मेरे डेढ़ ग्लास चावल है और इसको भी मैंने अच्छे से धो लिया है और फ्रेश पानी डाल दिया है। और मैं इसको अब बॉईल करूंगी और बॉईल करते वक्त ना मैं इसमें नमक डालूंगी और ना ही मिर्ची डालूंगी, कुछ नहीं डालूंगी, इसको ऐसे ही बॉईल करूंगी और आपको मैं दिखाती हूँ बॉईल करने के बाद। तो फ्रेंड्स इधर देखिए, भुंजिया को मैंने कितने अच्छे से फ्राई कर लिया है। और अब देखिए फ्रेंड्स, फ्राई होने के बाद मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी अच्छा तेल के अंदर फ्राई हो गया है। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी नमक मिर्ची हल्दी और धनिया पाउडर। फ्रेंड्स इस सिचुएशन में अगर हम इसके अंदर डालेंगे, और फ्रेंड्स इसके साथ मैंने आपको एक बात बतानी भूल गई कि फ्रेंड मैंने इसको कवर बिल्कुल नहीं किया है। अगर आप इसको कवर करोगे तो ये एकदम गीली हो जाएगी, चिपचिपी हो जाएगी, तो जैसे कि ये क्रिस्पी लग रही है। ये देखिए, मैं आपको पास से करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये कितनी अच्छी क्रिस्पी बन गई है। तो ये इसलिए क्रिस्पी बनी है क्योंकि मैंने इसको ढका नहीं है, मैं इसको बिना ढके ही बना रही हूँ और बिहारी भुजिया बिना ढके ही बनती है। तो फ्रेंड अब इस सिचुएशन में अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर अपने स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो ना कि एकदम से नमक मिर्ची नहीं डालनी है। तो आपको पता चल ही रहा है फ्रेंड, देखिए देखो, अब मैं थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी, हल्दी ज़्यादा नहीं डालूंगी, तो हल्दी ज़्यादा डालने से इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये है मिर्ची, मिर्ची भी मैंने लाइट डाली है क्योंकि बिहारी भुजिया में ये सब बिल्कुल लाइट लाइट मसालों से बनती है, तभी तो खाने में भी बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये है हमारा धनिया पाउडर, तो धनिया पाउडर मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ। तो अब मैं इसको चलाती हूँ एक बार अच्छे से, ऐसी इस तरह से चलाना है
और चलाने के लिए भी फ्रेंड्स आपको इस तरह सी पतली सी चाहिए। आप करछी वर्छी से मत चलाइएगा, नहीं तो वो चूर हो जाता है आलू गोभी। तो देखिए अब मैं इसको एक बार अच्छे से फिर से चला देती हूँ। और अभी मैं गैस को बिल्कुल कम करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए दाल कितनी ही अच्छी कंसिस्टेंसी बन के तैयार हो गई है दाल की। तो हो गया है दाल तो रेडी। तो इसको हम अब लगा देंगे तड़का बढ़िया ही स्टाइल में। तो फ्रेंड तड़के के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है छोटी सी। तो फ्रेंड्स दाल के लिए मैं तड़का लगाने जा रही हूँ। तड़के के लिए मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल गरम कर लिया है और उसमें डाल दूंगी थोड़ा सा जीरा। और जीरा भी तड़क गया है तो इसके साथ ही मैंने एक बड़ा सा प्याज राउंड सर्कल में काटा है और एक टमाटर है और दो तीन हरी मिर्ची है तो इसको भी मैं इसके साथ ही डाल दूंगी अंदर। तो प्याज को हमको लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। तड़का अगर दाल में अच्छा लगा हो तो खाने का टेस्ट दुगना आ जाता है, ये तो आपने सुना ही है। लेकिन आज आप खाकर भी देखना फ्रेंड, सच में फ्रेंड ये इतना ही लाइट और इतना ही हेल्दी और इतना ही टेस्टी खाना है कि आपका मन करेगा कि रोज एक टाइम हम दाल चावल और कोई भी भुंजिया बनाए। मैंने तो आज गोभी आलू मटर की बनाई है, आप परवल आलू की भी बना सकते हो, आलू करेले की भी बना सकते हो, लेकिन तरीका सबका यही होगा। और मैं और भी सब्जियों की रेसिपी ज़रूर डालूंगी। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और अच्छी अच्छी डिश आपको इस चैनल पर दिखाती रहूँ। तो फ्रेंड देखिए प्याज भी अच्छे से लाल हो रहे हैं लेकिन मैं अभी इसको और लाल करूँगी। और लाल करने के साथ इसके अंदर मैं सिर्फ लाल मिर्ची का पाउडर डालूंगी थोड़ा सा, क्योंकि हल्दी तो मैंने पहले से ही दाल में डाल रखी थी। तो मिर्ची का पाउडर जो इसके अंदर तड़का देगा और उसके बाद जो इसकी रंगत आएगी और फ्रेंड जो टेस्ट आएगा और जो खुशबू आएगी उसका तो कोई जवाब ही नहीं है फ्रेंड। तो इसीलिए फ्रेंड बोलिए इसको ट्राई ज़रूर करना और खाने में एकदम जल्दबाजी मत करना। अगर आप अच्छे से बनाओगे पूरे तरीके से तो आपका खाना 100% अच्छा बनेगा ही बनेगा। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको आज वीडियो दिखाई है ना फ्रेंड्स, इस वीडियो को देख के आप बहुत कुछ रेसिपी ऐसे ही बना सकते हो। तो उसको बनाने के लिए तो फ्रेंड्स आपको पहले मेरे चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सॉरी मेरी वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर आपको पसंद आया तो आपको कमेंट भी करना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना। तो देखिए फ्रेंड बातों बातों में प्याज भी एकदम से लाल हो गए। तो मैंने एक टमाटर काटा था तो मैं उसको इसके अंदर डाल देती हूँ। तो टमाटर भी अच्छे से तेल छोड़ देगा। तो उसके बाद मैं मिर्ची डालूंगी। तो मिर्ची आपको मैं दिखा दूंगी फ्रेंड्स, आप कोई भी दाल बनाओ उसका तड़का इस तरह से लगा के देखिएगा फ्रेंड्स, आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि दाल का असली टेस्ट क्या होता है, तड़के पर होता है। तो तड़का इस तरह से लगाना है। तो फ्रेंड जब तक कि टमाटर अपना तेल रिलीज कर दे तब तक के लिए मैं इसको थोड़ा सा ढक के रख लेती हूँ। ढक के रखने से फ्रेंड ये अच्छे से गल जाएगा। तो दोस्तों देखिए टमाटर ने भी अपना तेल छोड़ दिया है। तो ये है थोड़ा सा मेरा कसूरी मेथी है, कसूरी मेथी को भी मैं इसे को ऊपर से थोड़ा सा डाल देती हूँ। तो अब बारी आ गई है रेड चिल्ली पाउडर डालने की। तो रेड चिल्ली पाउडर में अगर आपके पास अच्छी सी देगी की लाल मिर्ची है रंगत वाली तो बहुत ही बढ़िया है, उससे रंग भी अच्छा आ जाएगा और टेस्ट भी अच्छा। अगर नहीं भी है तो आप घर की भी मिर्ची डाल सकते हो। मेरे पास तो फिलहाल नहीं है
इसको मैं डालूंगी, ये देखिए फ्रेंड घर की ही लाल मिर्ची। तो मैं इसके अंदर मिक्स कर रही है और मिक्स करके मैं एक बार फिर से चलाती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड और बन गया है तड़का, रेडी हो गया है। तो अब मैंने जो दाल बनाई है मैं इस तड़के के अंदर डाल देती हूँ। तो डालते हुए मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इतना बढ़िया लाल लाल कलर दाल का। तो देखिए फ्रेंड्स बनी ना एकदम बढ़िया दाल। तो अभी एक बार थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से चला देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैं इसको दाल को बाउल के अंदर डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स भुंजिया तो आपके सामने बनके पहले से ही रेडी हो गई थी, तो इसको भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो आपको दिखाऊंगी बिहारी थाली का एकदम बढ़िया सा टेस्ट। तो फ्रेंड्स ये है घर का बनाया हुआ आम का अचार है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसकी रेसिपी लेनी है तो मैं जल्दी इसकी एक वीडियो बना दूंगी, तो आप देखिएगा फ्रेंड्स ये मीठा अचार है। तो फ्रेंड मैं आप इसको बना के नहीं दिखा सकती थी, तो फ्रेंड नेक्स्ट टाइम मैं इसकी भी रेसिपी डाल दूंगी, तो आपको मैं ये भी दिखा दूंगी किस तरह का है ये